एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं अम्मी के घर से। मैं सैटरडे है अम्मी के घर पे हूँ और बना रही हूँ चाइनीज़, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था अपने घर पे तो बनाती रहती हूँ। तो फिर रिमशा हसीब ने कहा कि आप ही आज जो है वो सैटरडे है तो आज चाइनीज़ हो जाए आपके हाथ का। तो काफ़ी देर से मैं सब्ज़ियाँ कट कर रही थी। उफ़, चाइनीज़ बनाना बहुत ईजी है बट सब्ज़ियाँ कट करना बहुत मेहनत है। मैं काट 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 के मेरे हाथ में दर्द हो गया, सीरियसली। अभी सारी सब्जियों से कटिंग से फ्री हुई हूँ, मैंने शुरू करना है बस अब कुकिंग। टमाटर बॉयल हो रहे हैं तो मैंने कहा व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया जाए। ये है जनाब कैरेट्स, गाजर, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ठीक है। ये अनियन है ग्रेवी के लिए और यहाँ पर है जनाब शिमला मिर्च और मैंने फूल गोभी भी लिया है, इसको भी कट कर लिया है क्योंकि मैं फूल गोभी भी ऐड करती हूँ जस्ट फॉर के थोड़ा सा अच्छा ग्रेवी हो जाए। है हमारा बंद गोभी, ये राइस के लिए मैंने लिया है और ये है हमारा हरा प्याज। नीचे नीचे जो है ना ये थोड़ा सा दब गया है, ठीक है। ये हो गई हमारी सब्जी। यहाँ पर हमारे टमाटोज जो है वो बॉयल हो चुके हैं क्योंकि मुझे इनका छिलका रिमूव करना था, छिलके की हमें ज़रूरत नहीं है शैशलिक में। इसके चूल्हे को हम फ्लेम को ऑफ करके और टमाटर का छिलका रिमूव करके इसको फटाफट से हम ग्रेवी बनाएंगे। शैशलिक और राइस की बेशुमार रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी बट क्या होता है कि हमारा जो अपना देसी घरेलू स्टाइल होता है, देसी टच होता है किसी भी चीज़ में, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो मैं जो बना रही हूँ अपना घरेलू, अपना देसी वाला बना रही हूँ, बिल्कुल कॉन्टिनेंटल और बिल्कुल स्पेशली चाइनीज़ करके ये वो फलाना ढिमकाना ऐसा नहीं बना रही। तो अपना देसी टच डालेंगे और अच्छा सा बनाएंगे शैशलिक, ठीक है। हो गए जनाब हमारे टमाटोज, बॉयल्ड टमाटोज। अब देखें इसका छिलका कितनी आसानी से रिमूव हो जाएगा, ये देखें कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका छिलका ऐसे ही, उफ बड़ा गर्म है भाई, इसका छिलका ऐसे ही हाथ में आ जाएगा। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे देन फिर इसका छिलका उतार के मैं इसको पीस लूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चिकन भी ले ली है, कुछ बोनलेस है और कुछ जो है वो थोड़ा सा मैंने चिकन हड्डी वाला भी लिया है, मतलब बिल्कुल से जो है वो हमारा चिकन बोनलेस नहीं है। सबसे पहले मैंने प्याज ऑयल के साथ थोड़ी सी ब्राउन उसको नहीं की, पिंकी की, उसके बाद चिकन डाल के मैं फ्राई कर रही हूँ चिकन और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के साथ थोड़ी सी देर बस इसको हमने भूनना है ताकि थोड़ा कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। तो प्यूरी ऐड कर दी है और चिकन और लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो गया था और मैंने ये फूल गोभी भी ऐड कर दिया है। अब हम बाकी का सामान ऐड करेंगे जैसे कि चिली सॉस, सोया सॉस, शुगर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, नमक, चिकन पाउडर और मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँगी वो है मैगी मसाला जो मैगी में मिलता है, यानी कि हमारे जो नॉर के होते हैं नूडल्स उसमें। अब आ जाती हैं सॉसेस, ये है टमाटो केचप नॉर का और ये हमने लिया है सोया सॉस, ये है हमारा चिली सॉस, ये है हमारा सिरका और इधर है लहसुन अदरक का, रेड चिली, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स वाली जो चिली होती है ना कुटी हुई लाल मिर्च वो भी ऐड कर दी है, वाइट पेपर भी ऐड कर दिया है, मैगी मसाला भी ऐड कर दिया है। मैं जस्ट अब इसमें ऐड करने लगी हूँ शुगर और ये है जनाब हमारा शुगर, इतना ही एक चमचा भर के डालेंगे हम इसमें। नाव ये सारा कुछ इसमें ऐड करने के बाद पानी ऐड कर दिया मैंने और अब चिकन को और सब्जियों को थोड़ा सा बस हल्का नरम करना है, बिल्कुल से गलाना वाला नहीं है और इसको अब हम ढक के कवर करके पकाएंगे और बाकी प्रिपरेशन अब हम स्टार्ट करने लगे हैं राइस की। Still have that single curl जो मैंने स्ट्रेटनर से दिया था। जो ये आँख है ये कल से थोड़ी सी बेहतर है, थोड़ी सी। क्यों, क्या हुआ? चलो वो वाला ले लो फिर।
खैर चलें जनाब, अब ग्रेवी जो है वो हमारी रेडी हो रही है। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके ना, जब मुझे पता चल जाएगा कि चिकन गल गया है अच्छे से, तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। उसमें एक उबाल लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ताकि उसमें गाढ़ापन आ जाए, ठीक है। और राइस मैंने रख दिए 15 मिनट्स के लिए सोक करने के लिए। अगला प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे चाइनीज़ राइस, वेजिटेबल राइस। मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर, 3 चमचे लिए हैं मैंने, ताकि ये गाढ़ा हो जाए चिकन गल जाए। चलें जनाब, हमारा शैशलिक हो गया है रेडी, सब्जी भी गल चुकी है अच्छे से और चिकन भी गल चुका है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़बरदस्त है। राइस निकाल लिए हैं बॉईल, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल गरम करके वेजिटेबल्स। सब्जियों को बस क्रिस्पी क्रिस्पी रखेंगे, वो तो बिल्कुल से मैं गलाऊंगी नहीं। और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ब्लैक पेपर, सोया सॉस और नमक। बस ये जो मिक्सिंग है ना, वो रियली बहुत थका देने वाली है, सीरियसली। इसको मिक्स कर करके मेरे हाथ में दर्द हो गया। बट नाउ चाइनीज़ राइस इज़ ऑल्सो रेडी, और अच्छे से मिक्सिंग कर लिया मैंने सारे ना, ऊपर नीचे करके सब्जियों को और राइस को। कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं ना। चलो रेडी है हो गए जनाब हमारे वेजिटेबल राइस रेडी, और यहाँ पर है हमारा शैशलिक विच इज ऑल्सो रेडी, और अब हम बस खाना लगा रहे हैं। आ गए हैं घर, एंड शोना एंड मी इज वॉचिंग कार्टून्स। आवाज़ मैंने थोड़ी सी म्यूट कर दिया ना, फिर वो व्लॉग में भी आवाज़ आती है ना, तो बहुत शोर होता है। ओ अच्छा भाई, अच्छा भाई, शूट करो। सही कह रहे हैं। अब हम खा रहे हैं खाना, ये है मलाई टिक्का, चटनी, पराठा, सलाद, ये है मटर पुलाव जो कि मामा ने बनाया, और ये है शैशलिक और राइस जो कि मैं यासिर के लिए लेकर आई टेस्ट कराने के लिए। और आप लोगों से मिलते हैं खाना खा के।